मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर के मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि तथा यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान की ओर से बन रहे विक्षोभ के कारण आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश कहर, इन राज्यों में आज भी तेज हवा के साथ होगी झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में मौसम में तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ राज्यों में आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक ओडिशा के कई राज्यों पर आज भारी वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली की चमक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इन राज्यों में आज बारिश और आंधी की संभावना। इन राज्यों में आज और कल बारिश का अनुमान। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल और आज पंजाब में तेज बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बारिश होने का अनुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में छिटपुट मध्यम बारिश की संभावना है। यूपी में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से भीषण गर्मी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। आज भी कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, इसी के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना है। अभी जारी रहेगा मौसम का दौर। और बुधवार को 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत अलग अलग जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश भी होगी। 28 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल को छोड़कर सभी जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है। येलो अलर्ट हुआ जारी। कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आंधी, बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में और गिरावट आएगी। लाहौल स्पीति के कोकसर में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। 24 मई को जिला चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन में इलाकों में बारिश होने के आसार है, जबकि 25 मई को मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 जून के पहले हिमाचल प्रदेश में मानसून आ सकता है। उत्तराखंड में बारिश व ओलावृष्टि की संभावना। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जारी रहेगा बारिश व ओलावृष्टि का क्रम। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार मंगलवार को पहाड़ों में ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है। पंजाब में हवा के बारिश का अनुमान, ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के कई क्षेत्रों में हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के अधिकांश इलाकों में आंधी बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक पूरे उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। बीते दिन राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में कल कई जनपदों में धूल भरी आंधी बारिश देखी गई, जिसके कारण पूरे प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लखनऊ में कल बारिश होने के बाद मौसम काफी सुहाना हो गया। तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें UMB न्यूज़।